तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे, एक के पीछे दूसरा लोगो लगा रहा होगा, तो वही चीज सबसे पहले हमें क्रिएट करनी है, फिर उसको हमें क्या करना है, ट्विस्ट में कन्वर्ट करना है और अपीयर कराना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इन दोनों लोगों के लेयर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और दोनों को क्या करते थे, कंपोजिशन के सेंटर पे अलाइन कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों लेयर को हमें 3D में सबसे पहले कन्वर्ट कर देना है। फिर जो आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो पीछे है, मतलब मुझे दिखाना ऐसा है, स्टार्टिंग में फोटोशॉप का लोगो हमें दिखेगा, बट जैसे इसका रोटेशन ट्रांजिशन ट्विस्ट का ट्रांजिशन खत्म होगा तो आफ्टर इफेक्ट का लोगो हमारी आंखों के सामने एट दी एंड दिखेगा हमें। तो अब क्या करना है, मैं सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट का जो लोगो है उसका रोटेशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 180, क्योंकि जब ये घूम के सामने आएगा तो सीधा दिखना चाहिए, उल्टा नहीं दिखना चाहिए। तो पहला काम ये कर दिया। दूसरा उसका पोजीशन का जो वैल्यू है यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा 2 करके, ठीक है, थोड़ा ये पीछे जाएगा तभी वो हमें विजिबल होगा प्रॉपर तरीके से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे और इन दोनों लेयर को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे पेरेंट कर देंगे नल के साथ। पर अभी हमारा नल है 2D, तो नल को भी क्या करने का पड़ेगा, 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप नल का रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन करके इसको वाई एक्सिस में रोटेट करते तो दिखेगा आपको पीछे आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो। सो ये बेटर हो गया। अब समझ लो आप खुद ही रोटेट करोगे इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए, तो अगर रोटेट करोगे इन दोनों की रोटेशन प्रॉपर्टी को तो आपको पीछे आफ्टर इफेक्ट नहीं दिखेगा, आपको नल के थ्रू उसको रोटेट करना पड़ेगा, वो चीज ध्यान में रखना। अब मेन चीज करना है भाई, इसका एक तो पोजिशन प्रॉपर्टी चाहिए नल का और दूसरा साथ में रोटेशन प्रॉपर्टी चाहिए। तो पोजीशन और वाई एक्सिस में क्या कर रहा हूँ, रोटेशन कर रहा हूँ। ओके, अब गाइस ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल देने वाला हूँ। पहला एग्जांपल ये लोगों का है, दूसरा टेक्स्ट वाला एग्जांपल है। तो क्विट मत करना क्योंकि दोनों में टेक्निक कुछ अलग यूज करने वाला हूं मैं। रिजल्ट ठीक है, हमारा ट्विस्ट ही होने वाला है, बट ट्विस्ट का डायरेक्शन अलग होने वाला है और उसके पीछे आप क्या जुगाड़ यूज कर सकते हो मैं दिखाऊंगा दूसरे ऑप्शन के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 सेकंड के आसपास चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वापस मैं क्या कर देता हूँ, कीज अप्लाई कर देता हूँ। अब चलेंगे वापस ये वाली पोजीशन के ऊपर यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जो इसका पोजीशन है दोनों का नल के थ्रू हम थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाते हैं, मतलब थोड़ा छोटा दिखेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर वो क्लोजअप में आते हुए दिखेगा। अभी हमको खाली ट्विस्ट समझना है कि वो जनरेट कैसे होता है, फिर इसको रिवील पहले कंपोजिशन में कैसे करना, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस हिसाब का एनिमेशन करना चाहते हो वहां पे, चाहे ओपेसिटी के थ्रू करो, चाहे सीधा लेयर को कट मार के सीधा स्टार्टिंग में उसको अप्लाई कर दो, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। मैं दिखा दूंगा एक एग्जाम्पल। अभी क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे आ गया है, बट यहाँ पे मुझे रोटेशन वैल्यू क्या अप्लाई करनी है, मैं यहाँ पे रोटेशन वैल्यू ऑलमोस्ट वाई की जो है मैं 1 अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो अगर 1 करेंगे तो क्या होगा, फोटोशॉप ही सामने आएगा, तो 1 प्लस मैं यहां पे क्या कर देता हूं 180, तो अब क्या होगा मेरे सामने आफ्टर इफेक्ट आ जाएगा। एक रोटेशन के ऊपर आधा एक और रोटेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की इसको सिलेक्ट करते हैं और F9 दबा के इजी इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर में और उसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ को आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडिट कर देना है जैसा आपको चाहिए वैसा, तो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ को एडिट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ग्राफ एडिटर में बाहर आ जाते हैं और उसको प्री कंपोजिशन करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है मूव ऑल एट्रीब्यूट्स के ऊपर और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लोगो मेन एनिमेट, ठीक है। तो ये मेरा मेन एनिमेशन यहाँ पे हो चुका है। क्या करना है, हम एक नया सॉलिड जनरेट करेंगे गाइस और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मेन इफेक्ट, मैप है ये हमारा, तो हम इसको नाम दे देते हैं मैप बराबर। तो मेरा मैप यहाँ पे आ चुका है। अब इसके ऊपर मुझे एक इफेक्ट डालना है जो है हमारा ग्रेडियंट रैंप, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और मेरा ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट है जो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट रैंप बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा है, अभी मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ये अप्लाई करने के बाद खाली लेयर को सीधा हाइड कर दो। अब ये वाला लेयर हमें सिलेक्ट करना है और जो हमारा ट्विस्ट का इफेक्ट अप्लाई करना है उसके लिए मेनली चीज से ही हमें ट्विस्ट, मतलब क्या होगा, हमारी चीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का जनरेट होगा तभी वो हमें क्या करेगा, इफेक्ट प्रॉपर तरीके से दे सकता है। तो उसके लिए जो इफेक्ट हमें डालना है वो है हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो कहाँ पे डालेंगे, हमारी मेन लोगो के एनिमेशन कॉम्प के ऊपर। अब जैसे मैंने डाल दिया, देखो आपको यहाँ पे कुछ हल्का सा डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दिखने लगा है। तो जैसे जैसे आप वैल्यू यहाँ पे चेंज करते हो तो वहां पे क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू देखो यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखेंगे आपको। तो प्रॉपर तरीके से टाइम के हिसाब से क्या करता है, वो आपके एनिमेशन को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे वापस मैं क्या कर देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट था उसका 1 था वही मैं वैल्यू कर देता हूँ। अब हमें डिस्प्लेसमेंट किसके हिसाब से करना है, तो भाई ये जो हमने ग्रेडियंट मैप अप्लाई किया ना उसके बेस के ऊपर करना है। तो ये काम कैसे करता है कि भाई जहां से व्हाइट का वैल्यू है और ब्लैक का वैल्यू है उस हिसाब से, और उन दोनों के बीच में जो ग्रे है, ना व्हाइट ना ग्रे ब्लैक,
प्योर ब्लैक और प्योर व्हाइट के बीच में जो ग्रे है वहां पे वो डार्क पिक्सल्स के अकॉर्डिंगली क्या करता है उसको ट्विस्ट में कन्वर्ट करता है। और ये टाइम के हिसाब से मतलब क्या करेगा, जो ब्राइटेस्ट रहेगा उसको पहले रोटेट करेगा, जो डार्केस्ट रहेगा उसको लेट में रोटेट करेगा, ट्विस्ट करेगा उसको। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वहां पे लेयर मैप चूज करना पड़ेगा। तो वो है हमारा ये वाला लेयर जो मैप लेयर है, प्लस आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इफेक्ट एंड मास्क। अब ये हो चुका है। अब क्या है, अगर मैं इसको मूव करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को मोशन मिल रहा है, जैसा मेरे को चाहिए वैसा अच्छा खासा मोशन यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे आप वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ूं तो आपको दिख रहा है थोड़ा सा ये जर्कीनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो मुझे अवॉइड करना है। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट वैल्यू अप्लाई करता हूँ 500। तो जैसे ही मैं 500 करते हैं देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो देखो थोड़ा सा आपको क्या मिल रहा है, क्लीनलीनेस यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं अभी 500 ही रख रहा हूँ, 500 भी नहीं 60 रख रहा हूँ। बट आपको अगर जब आप कर रहे हो, क्योंकि पीसी लैग होगा, अभी हमें दूसरा एग्जांपल भी देखना है, तो अगर आपके पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी है तो आप सीधा सीधा 1000 करो 2000 करो जब तक आपको बेटर रिजल्ट ना मिले। जब मैंने रेंडर निकाला स्टार्टिंग में आपने देखा वहां पे बहुत स्मूथ रेंडर आपको देखने को मिला है। हाँ, 3D टेक्स्ट के अंदर मैंने उसको जर्की रखा है क्योंकि मुझे वैसा वाला फीचर चाहिए था। तो अब अगर इसको हम प्ले करते हैं गाइस एक बार, मैं थोड़ा रिजोल्यूशन भी इसका यहाँ पे लो कर देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा बहुत ही सुंदर तरीके से क्या हुआ, हमारा लोगो यहाँ पे ट्विस्ट होते हुए आपको दिखा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा लोगो यहाँ पे ट्विस्ट होते हुए रिवील हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना इंट्रो बना रहे हो या अपना शोरील बना रहे हो और वहां पे ऐसे ही 3-4 सॉफ्टवेयर आपने यूज किए हैं तो चारे सॉफ्टवेयर को इस तरह से कुछ आप रिवील कर सकते हो, या फिर अपना लोगो रिवील के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो बहुत ही बेटर तरीके से। जैसे मैं अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस लेयर को यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ तो स्टार्टिंग में ये कंपोजिशन में दिखेगा नहीं, जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद तुरंत ये आते हुए मुझे नजर में आएगा, या फिर आप ऑपेसिटी के साथ भी क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो पहला पार्ट ये हमारा हो चुका है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एनिमेटेड टेक्स्ट है जो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में जनरेट किया है। तो ऐसा ब्यूटीफुल 3D टेक्स्ट और उसको अमेजिंग तरीके से एनिमेट कैसे करना, ये बहुत ही सिंपल एनिमेशन है गाइस। बट अगर उसको बहुत ही और बेटर तरीके से कुछ एनिमेट करना है तो मैं यहाँ पे एक ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा द ब्यूटीफुल वे के। उसी उसमें हमने क्या किया, एक ही टेक्स्ट लेयर के अंदर मल्टीपल एनिमेटर्स अप्लाई करके बहुत ही जबरदस्त एनिमेशन क्रिएट किया है, जिसको आप अपने एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए या सोशल मीडिया एड के लिए बहुत बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। तो वो ट्यूटोरियल जाके भी जरूर देख लेना। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑलरेडी मेरा एनिमेटेड है और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके का ट्विस्ट आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ट्विस्ट वर्टिकली हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। अब मुझे ट्विस्ट कैसा चाहिए, ऐसे में ट्विस्ट चाहिए, तो उसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चलते हैं अभी सबसे पहले। और मैं क्या करूंगा भाई, ये ऑलरेडी रेडी है तो मैं यहाँ पे प्रीकॉम्प कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में हर बार नहीं बताऊंगा, प्रीकॉम्प इसलिए करते हैं कि अगर इसके अंदर मैं दूसरा कोई टेक्स्ट लाके डालता हूँ या कोई इमेज डालता हूँ तो मैं जो इफेक्ट जनरेट करूंगा अगेन टाइम डिस्प्लेसमेंट का, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब वापस क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करने की जब क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जो मैप है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और सीधा सीधा क्या करता हूँ, इस कॉम्प के अंदर अप्लाई कर देता हूँ। बट यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ थोड़ा, क्या चेंज करने वाला हूँ, वो इफेक्ट अगर मुझे अलग चाहिए तो पहली चीज ये है कि इसका रोटेशन अलग था मेरे, देखो दोनों वाइस वर्सा काम करते, इसका रोटेशन कैसे हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, और वहां पे रोटेशन कैसा वाई में था, यहाँ पे रोटेशन एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो पहली चीज ये हो गई। अब दूसरा चीज क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रेडियंट रैंप था पहले कैसा था, ऐसे अप्लाई किया हुआ है, अब मैं उसको हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस वाले को मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो अभी मेरा ग्रेडियंट रैंप हॉरिजॉन्टली हो चुका है। अब इसको वापस हम हाइड कर देते हैं और इसके ऊपर क्या करेंगे, हम टाइम डिस्प्लेसमेंट मैप यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और वापस हमें क्या चूज करना पड़ेगा, मैप यहाँ पे कर देंगे हम इफेक्ट एंड मास्क हमारे टाइम डिस्प्लेसमेंट लेयर के अंदर। दूसरा यहाँ पे मैं करता हूँ ऑलमोस्ट लाइक अभी के लिए 0.5 करते हैं और यहाँ पे मैं अभी के लिए अप्लाई कर देता हूँ 1500, ठीक है। और इसका रिजोल्यूशन मैं थोड़ा अभी के लिए लो कर देता हूँ एंड लेट्स प्ले दिस एनिमेशन वंस। सो अभी जैसे गाइस आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा टेक्स्ट क्या आ रहा है,
ट्री स्टोर है, अब आपको चाहिए थोड़ा टाइम डिले करना है और थोड़ा स्ट्रेच करना है उसको, तो ये जो मेन वैल्यू है ना वो आपके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है, ये आपके रिजोल्यूशन के ऊपर। जो यहाँ पे जैसे आगे भी मैंने दिखा ये पिक्सल जैसा दिख रहा है, जितना आप ये वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही बेटर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिजोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू 1 कर देता हूं अभी, और अब अगर इसको हम प्ले करें तो आप देखो और भी मतलब आपको क्या होगा, एक अजीब और अजीब नहीं कहेंगे बट ब्यूटीफुल सा टेक्स्ट को ट्विस्ट करता हुआ इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हमने दोनों एग्जांपल देखे और दोनों में मैंने कैसे वेरिएशन लाया, आप किस हिसाब का रोटेशन आपका आपका एनिमेशन किस हिसाब से है उस हिसाब से आप ग्रेडियंट रैंप को यूज कर सकते हो। हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किया, आप उसको रेडियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप उसको क्या कर सकते हो क्रॉस ग्रेडियंट भी अप्लाई करके एनिमेट कर सकते हो। सो आई होप बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल क्विक ट्यूटोरियल था, आपको बहुत ही बेटर तरीके से चीजें सीखने को मिली होंगी। सो गाइस लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय गाइस।